2003 में इनकी पहली मूवी आई जिस्म। दोस्तों इस मूवी का बजट 3,25,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 8,14,00,000 रुपए की हुई थी और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई साया, इस मूवी का बजट 3,24,00,000 था और इंडिया में इसकी कमाई 4,64,00,000 की हुई थी और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 2004 में इनकी मूवी आई पाप, इस मूवी का बजट 2,00,00,000 था, इंडिया में इसकी कमाई 2,50,00,000 की हुई थी और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मदहोशी और दोस्तों इस मूवी का बजट 6,50,00,000 था, इंडिया में इसकी कमाई 3,00,00,000 की हुई थी, इस हिसाब से ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद जॉनी की मूवी आई धूम और दोस्तों इस मूवी का बजट 11,00,00,000 था, इंडिया में इसकी कमाई 31,60,00,000 की हुई थी और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई लकीर, इस मूवी का बजट 16,00,00,000 था, इंडिया में इसकी कमाई 4,80,00,000 रुपए हुई और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई एतबार, इस मूवी का बजट 9,50,00,000 था, इंडिया में इसकी कमाई 4,50,00,000 थी और दोस्तों ये मूवी भी डिजास्टर रही। 2005 में इनकी मूवी आई गरम मसाला, इस मूवी का बजट 17,00,00,000 था, इंडिया में इसकी कमाई 29,00,00,000 हुई और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई वाटर और दोस्तों इस मूवी का बजट 12,00,00,000 था, इंडिया में इसकी कमाई 1,70,00,000 रुपए हुई और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई विरुद्ध, इस मूवी का बजट 9,00,00,000 था, इंडिया में कलेक्शन इसका 10,00,00,000 का हुआ और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद जॉनी की मूवी आई काल और दोस्तों इस मूवी का बजट 13,00,00,000 था, इंडिया में कमाई 19,00,00,000 की हुई और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कर्म और दोस्तों इस मूवी का बजट 5,75,00,000 रुपए था, इंडिया में इसकी कमाई 4,95,00,000 हुई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई ऐलान, दोस्तों इस मूवी का बजट 15,00,00,000 था, इंडिया में इसकी कमाई 8,00,00,000 की हुई, इस हिसाब से ये मूवी डिजास्टर रही। 2006 में इनकी मूवी आई बाबुल और दोस्तों इस मूवी का बजट 17,00,00,000 था, इंडिया में इसकी कमाई 32,00,00,000 की हुई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई काबुल एक्सप्रेस, इस मूवी का बजट 12,00,00,000 था, हिंदुस्तान में इसकी कमाई 11,70,00,000 रुपए हुई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कभी अलविदा ना कहना, दोस्तों इस मूवी में जॉनी ने स्पेशल एवरेज दिए थे। इसके बाद इनकी मूवी आई जिंदा, दोस्तों इस मूवी का बजट 13,00,00,000 था, इंडिया में कमाई 10,17,00,000 की हुई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई टैक्सी नंबर 9211 और दोस्तों इस मूवी का बजट 10,00,00,000 था, इंडिया में कमाई 19,60,00,000 की हुई और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई गोल, दोस्तों इस मूवी का बजट 19,00,00,000 था, इंडिया में इसकी कमाई 13,90,00,000 की हुई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 2007 में इनकी मूवी आई नो स्मोकिंग, इस मूवी का बजट 7,50,00,000 था और इंडिया में कमाई 2,50,00,000 की हुई और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हैट्रिक, दोस्तों इस मूवी में इन्होंने स्पेशल एवरेज दिए हैं। इसके बाद इनकी मूवी आई सलामे इश्क, इस मूवी का बजट 43,00,00,000 था और दोस्तों इंडिया में इसकी कमाई 22,70,00,000 की हुई और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 2008 में इनकी मूवी आई दोस्ताना, इस मूवी का बजट 40,00,00,000 था, इंडिया में इसकी कमाई 44,40,00,000 की हुई और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। 2009 में इनकी मूवी आई न्यूयॉर्क और दोस्तों इस मूवी का बजट 28,00,00,000 था, इंडिया में कमाई इसकी 45,00,00,000 की हुई और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 2010 में इनकी मूवी आई झूठा ही सही, इस मूवी का बजट 35,00,00,000 था, इंडिया में कमाई 11,00,00,000 की हुई और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई आशाएं, दोस्तों इस मूवी का बजट 18,00,00,000 था, इंडिया में इसकी कमाई 2,50,00,000 की हुई और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 2011 में इनकी मूवी आई सात खून माफ, इस मूवी का बजट 25,00,00,000 था, इंडिया में कमाई 11,00,00,000 की हुई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई देसी बॉयज, इस मूवी का बजट 54,00,00,000 था, इंडिया में कमाई 40,42,00,000 की हुई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई फोर्स, इस मूवी का बजट 28,00,00,000 था, इंडिया में कमाई इसकी 25,00,00,000 की हुई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 2012 में इनकी मूवी आई हाउसफुल 2, इस मूवी का बजट 72,00,00,000 था, इंडिया में कमाई 106,00,00,000 की हुई और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। 2013 में इनकी मूवी आई मद्रास कैफे, इस मूवी का बजट 35,00,00,000 था, इंडिया में कमाई 42,00,00,000 की हुई और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सूट आउट वाडला, इस मूवी का बजट 50,00,00,000 था, इंडिया में कमाई 60,00,00,000 की हुई और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई आई मी और मैं, इस मूवी का बजट
20 करोड़ था। दोस्तों इंडिया में इसने 8 करोड़ कमाए और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई रेस 2। इस मूवी का बजट 94 करोड़ था, इंडिया में कमाई 100 करोड़ की हुई और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। 2015 में इनकी मूवी आई वेलकम बैक। इस मूवी का बजट 80 करोड़ था, इंडिया में कमाई 96 करोड़ की हुई और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। 2016 में इनकी मूवी आई धिसुम। इस मूवी का बजट 61 करोड़ था, इंडिया में कमाई 70 करोड़ की हुई और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई रॉकी हैंडसम। इस मूवी का बजट 43 करोड़ था, इंडिया में कमाई 15 करोड़ की हुई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई वाजिर। दोस्तों इस मूवी में इन्होंने स्पेशल अवेयरनेस दिए थे। इसके बाद इनकी मूवी आई फोर्स 2। इसका बजट 41 करोड़ था, इंडिया में कमाई 36 करोड़ की हुई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 2018 में इनकी मूवी आई सत्यमेव जयते। इस मूवी का बजट 45 करोड़ था, इंडिया में कमाई 80 करोड़ की हुई और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई परमाणु। इस मूवी का बजट 44 करोड़ था, इंडिया में कमाई 65 करोड़ की हुई और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 2019 में इनकी मूवी आई पागलपंती। इस मूवी का बजट 72 करोड़ था, इंडिया में कमाई 34 करोड़ की हुई और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बाटला हाउस। इस मूवी का बजट 56 करोड़ था, इंडिया में कमाई 85 करोड़ की हुई और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई रोमियो अकबर। इस मूवी का बजट 48 करोड़ था, इंडिया में कमाई 38 करोड़ की हुई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 2021 में इनकी मूवी आई मुंबई सगा। इस मूवी का बजट 50 करोड़ था, इंडिया में कमाई 16 करोड़ की हुई और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 2021 में इनकी मूवी आई सत्यमेव जयते 2। इस मूवी का बजट 60 करोड़ था, इंडिया में इसकी कमाई 13 करोड़ की हुई और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 2022 में इनकी मूवी आई अटैक। इस मूवी का बजट 60 करोड़ था, इंडिया में इसकी कमाई हुई 16 करोड़ की और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई एक विलन रिटर्न्स। दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। दोस्तों इस मूवी के बजट के बारे में अभी तक नहीं पता चल पाया है। तो दोस्तों ये था जॉनी इब्राहिम का फिल्मी सफर। आपने इनकी कौन सी फिल्में देखी है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों थोड़ी सी तबीयत अभी गड़बड़ चल रही है, इस वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रही है। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।